नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। तो शुरू करें, क्योंकि NCERT के प्रश्न हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इधर उधर की बातें तो करेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन है, प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची कौन तैयार करता है? जैसे कि बहुत सारे पक्षी हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, तो सभी का सूची कौन सा संस्था तैयार करती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तैयार करती है CITES। अब आपको ये नहीं पता होगा कि CITES क्या होता है। देखिए, आपको तो इतना लंबा ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, ये आपके जो शॉर्ट फॉर्म है वही दिए जाएंगे। इसका मतलब होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इन जेंडर्स स्पेसिस ऑफ विल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट तैयार करता है कि जीव में मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौआ है, बकरी है, ये सब, मतलब कि तमाम जो जीव होते हैं सभी का, प्राणी और पक्षियों का ये तैयार करता लिस्ट जो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, मनाली और लेह राजमार्ग किन चार दर्रों से गुजरती है? देखिए, काफ़ी फेमस ये वाला आपके राजमार्ग हैं जो कि नेशनल हाईवे हैं, मनाली से लेह। मनाली दूसरे राज्य में है, लेह दूसरे राज्य में, राज्य क्या, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, मनाली कौन से स्टेट में, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब तो ये दोनों राज्य के बीच, मनाली और लेह के बीच जो राजमार्ग है वो कौन, ऑब्वियस है कि पहाड़ी एरिया है तो दर्रे से तो गुजरेंगे ही, कौन कौन से दर्रे से गुजर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक याद करवाता हूँ जिससे आप ये जो चारों दर्रे हैं वो आप याद कर पाएंगे कि ये दर्रा के थ्रू ये वाला रोड निकलता है। लेह मतलब क्या, लेना। ठीक है, तो रोब लेना मतलब क्या, डकैती कर लेना या ले लेना, चुरा लेना, इस तरीके से लेह मतलब लेना। ठीक है, तो ये रोब, रोब मतलब कि, रोब मतलब रोबरी हो गया, यानी कि चुरा लिया, ले लिया, रोब मतलब कि रोबरी, यानी कि रो से रोहतांग हो गया और बा से बारा चला, बा से। ठीक है, रोब, रोब मतलब कि रोबरी। ठीक है, तो रो से रोहतांग और बा से बारलाचा। उसके बाद यहाँ पे लूट है, लूट मतलब ही लेना ही होता है, लूट ही लेता है ना, लूटना मतलब ही लेना ही होता है, तो लू से आपके लुन गा ला चा ला। ठीक है, देखिए सभी में ला ला लगे रहते हैं लास्ट में। ठीक है, लून गाचा ला और टंग टंग लंग ला। ठीक है, ये चार जो दर्रे हैं इसी के थ्रू ये आपका मनाली लेह मार्ग राजमार्ग क्रॉस करती है। तो हालांकि आपके एक ही ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें से कौन सा लेह मनाली को जोड़ने वाली दर्रा है, या लेह मनाली के थ्रू जो लेह मनाली राजमार्ग है किस राजमार्ग के, किस सॉरी दर्रा के थ्रू निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया। अगला क्वेश्चन है, पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैं आपको अजीब अजीब सा कराता हूँ क्योंकि मैं टॉपरों वाला ही क्वेश्चन कराता हूँ, जो मीडियम और लो रेंज के क्वेश्चन होते हैं वो तो हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो पौधों में कौन सी पौधे होती है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करती है? तो ये है ब्रोमीलाइड। अब ये वाला जो जल होता है, इसी जल में जो मेंढक वगैरह है वो अंडे देने का काम करती है, या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको कि पानी की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं पत्तियों से ये ग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौधे जो पत्तियों में पानी ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं वो है ब्रोमीलाइड। लाइड मतलब लाओ, पानी कहते ना कि पानी लाओ। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे ट्रिक के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में उथली चट्टाने दीवार में लहरों से बना गुफा क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं मेहराब। अब मेहराब कैसा दिखता है, उसको दिखने के लिए मैं आपको डाउनलोडेड पिक्चर में ले जाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मेहराब है। अब ये मेहराब कैसा होता है देखिएगा, पहले तो ये पूरा चट्टान पूरा फिल था, अब यहाँ पे धक्का मार रहा है बार बार, पानी का जो लहरें है वो धक्का मार रहा है, तो इस तरीके से खोखला हो गया और पानी अब इधर से उधर चली गई। तो ये वाला जो स्थलाकृति बनी, ये आप देखेंगे गेट जैसा, तो ये आपको मेहराब कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जो पुराने पुराने मकान होते हैं उसमें जो गेट होता है इस तरीके का बना रहता है,
अभी का जो गेट है वो इस तरीके का बना रहता ना, लेकिन पहले का गेट इस तरीके से बना रहता, तो इसको कहते हैं मेहराब डिजाइन। मेहराब ये जो स्थलाकृति ज्योग्राफी में बनता है, और स्टैक किसको कहते हैं, जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे एक इस तरीके से पहाड़ निकला रहता है, ठीक है, इस तरीके से जो ये वाला टूट गया ना और ये अलग हो गया, ये वाला टूट के बीच में ये अलग हो गया, तो इसको कहेंगे स्टैक। स्टैक मतलब कि सीधा खड़ा रहना, ठीक है, तो स्टिक के टाइप का ये रहेगा तो उसको कहेंगे स्टैक, और जब दोनों मिला रहेगा तो इसको कहेंगे मेहराब। तो दोनों स्थलाकृति आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है ये, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो जादव पेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है ना कि एक बंजर जमीन को तकरीबन 1000 आप कह सकते हैं एकड़ ज़मीन को जो कि बंजर था उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। आप इनको देखेंगे, इनको एक उपाधि भी दी गई है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की 2010 में। देखिएगा ये आप देखिएगा, यहाँ पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनको सम्मानित कर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे पेंग नाम है, यानी कि पौधे लगाने वाला काम कर रहे होंगे, ठीक है, पेंग पौधे, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? जादव पेंग को। पहला गिरमिटिया, ये एक प्रकार का उपन्यास है, किसने लिखा था? तो जो राज करता, गिरमिटिया मजदूर मतलब समझते ही हैं कि एकदम से उसको खरीद के ले जाता था और वहाँ काम करवाता था अफ्रीका वगैरह में, ठीक है, तो उसको कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। तो जो ये उपन्यास था पहला गिरमिटिया, वो गिरिराज किशोर ने लिखा था। याद वैसे भी कह सकते हैं गिरमिटिया मजदूर पे लोग राज करते हैं, यानी कि गिरिराज, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, हिंसा का विरोध ओबियस महात्मा गांधी का दिमाग में पहले नाम आता है, ठीक है, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती प्रतीत होती है तब अच्छाई अस्थाई होती है। यानी कि हिंसा से आप अच्छा काम सोच रहे कर रहे हैं तो वो जो अच्छा काम है वो अस्थाई है, ठीक है, होती है, एक मिनट, जबकि इससे जो बुराई होती है वह अस्थाई होती है। यानी कि अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो उससे जो अच्छाई हो, मतलब कि जो आपको लगता है कि अच्छाई होगी इस हिंसा से वो अस्थाई होती है, और जो इसकी बुराई होती है वो अस्थाई हो जाती है। तो ये किन का कहना था? ये महात्मा गांधी का कहना था, ठीक है, मतलब किसी को आप एक सिंपल लैंग्वेज में किसी को मार रहे हैं तो वो आप कहेंगे कि जो ये गलत किया था इसलिए मैं मारा हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो अस्थाई है, मारना या उसको दुख देना अस्थाई है, लेकिन उससे उसको जो दुख हुआ वो अस्थाई होगा, यानी कि वो जीवन भर आपको याद रखेगा कि इसने मुझे मारा था, ठीक है, तो वो यानी कि बुराई जो होगी वो अस्थाई हो जाएगी। तो ये कहना है महात्मा गांधी का, थोड़ा सा पेचीदा लैंग्वेज में इन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं आपको सिंपल तौर पर समझा दिया, ठीक है। अगला है, तुम जो कहते हो उसका समर्थन नहीं करता पर तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। ये कथन किसका है? बाल्टियर का। कहने का मतलब ये है कि आप मुझे गाली दो, ठीक है, मैंने गलत किया या मैंने सही किया, फिर भी आप मुझे गाली दे रहे हो, तो ये गाली देने का अधिकार को मैं आपको ख़त्म नहीं कर दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि मैं आपसे समर्थन नहीं करता हूँ कि यार मुझे गाली मत दो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम मेरा मतलब कि हमेशा, या आप कह सकते हो कि तुम मेरा ये क्रिटिक ही ना करो, यानी कि आलोचना ही ना करो, ठीक है, आलोचना करो, मेरा आलोचना करो, इस अधिकार को मैं तुम्हारे, जो ये अधिकार है मेरे आलोचना करने का, उसका मैं संरक्षण करता हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारे आलोचना से समर्थन ना रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे आलोचना करने के अधिकार को समर्थन करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये बाल्टियर ने बोला था। सन 2000 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोज गठित किया था? देखिए, इसका विरोध भी हुआ था कि बाबा साहब ने बना के गए हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्वान उस समय थे कि बना के गए, तो उनके कार्यों को समीक्षा करना, यानी कि समीक्षा का मतलब कि देखेंगे कि इसमें क्या क्या बुराई है, उसमें सुधार करेंगे, उसके लिए जो एक रिटायर्ड जज थे वेंकट चलैया, उनकी अध्यक्षता में जो उस समय के NDA सरकार के गवर्नमेंट थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी साहब थे, तो उनकी उन्होंने रिटायर्ड जज के कौन से थे, वेंकट चलैया, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित करी। हालांकि बाद में विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ इस पे कि हमारे जो पूर्वज बना के गए हैं उसको आप लोग बिगाड़ रहे हो, ठीक है।
तो ये कौन जज थे? वेंकट चलैया। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि यानी कि वो लोग चले गए, अब वो उनको क्या पता था कि 2021 में मोबाइल फ़ोन आ जाएगा, लोग मतलब कि MMS वगैरह वायरल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि संविधान में कुछ त्रुटियां अब आ गई होगी, तो उसको हम सुधार करेंगे। यानी कि चले गए जो लोग हैं उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए चलैया गठित कर दी गई, इस तरह से हम याद करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।